हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ टिप्स तो शेयर करने वाली हूं, बट ये टिप्स कुछ डिफरेंट होने वाली हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 हेल्थ टिप्स, जिसकी हेल्प से आप हेल्दी तो रह ही सकते हैं, साथ ही अपना वेट लूज भी कर सकते हैं। तो काफी सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे वेट लॉस के बारे में, आप बताइए। बट ऐसा कोई स्पेशल मंत्रा नहीं है जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, और मैं जानती हूं वो सारी चीजें आपको भी पता होंगी। आज के वीडियो में जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो कोई नई चीजें नहीं है, आपने भी उन चीजों के बारे में एक्सपीरियंस किया होगा, उनको पढ़ा होगा या फिर आप जानते होंगे, क्योंकि हमें बचपन से कुछ चीजें सिखाई जाती हैं बट हम टाइम के साथ उन्हें भूल जाते हैं या फिर हम अपने लाइफस्टाइल की वजह से उन्हें इग्नोर कर देते हैं। बट ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ना, वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, साथ ही हमें आने वाली लाइफ में कोई हार्म नहीं करेंगी और हमारी लाइफ को और भी ज्यादा हेल्दियर कर देंगी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करती हूं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। आज की जो सबसे पहली टिप है वो है आप पानी पिए, पानी इतना जितने आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। आपको बहुत ज्यादा एक्सेस में पानी नहीं पीना है और ना बहुत ज्यादा कम पीना है। कई लोग होते हैं सिर्फ 2-3 ग्लास में उनका दिन भर चल जाता है, तो वो नहीं करना है। उसकी वजह से काफी सारे हेल्थ इश्यू आ जाते हैं। जनरली कहा जाता है कि आपको 8-9 ग्लास दिन भर में पानी पीना चाहिए, जिससे कि आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, हर पर्सन के लिए वो क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, सबकी बॉडी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो आपको 6-8 के बीच में अपने ग्लास रखने चाहिए, इतने ग्लास आप दिन भर में पिए। इससे काफी फर्क पड़ता है, एक तो आप हाइड्रेटेड रहते हैं और जो पानी अच्छा पीते हैं उनके चेहरे पे ग्लो भी रहता है। कई लोग कहते हैं हमारी स्किन बहुत ड्राई है या वो ग्लो नहीं रहता चेहरे पे, तो वो इसी वजह से होता है कि आप पानी कम पीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 8 ग्लास नहीं पी पा रहे हैं, अगर आप 5 ग्लास भी पी रहे हैं और आप सूप वगैरह ज्यादा लेते हैं, फ्रूट जूसेस लेते हैं, तो आपकी वो रिक्वायरमेंट कम्प्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट टिप तो मेरी यही है कि आप अपने को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिए। साथ ही पानी पीने के लिए जो आप बर्तन यूज करते हैं वो बिल्कुल भी उसमें प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक बॉटल को रिप्लेस करके आप स्टील, कॉपर और ग्लास बॉटल को यूज कर सकते हैं घर और बाहर अपने पानी को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट टिप मेरी है ईट हेल्दी फूड, होम कुक फूड। हेल्दी जो घर में बनता है वो हमारी फैमिली के लिए हम जब बनाते हैं तो हेल्दी ही सोच के बनाते हैं। थोड़ा बहुत अगर जंक भी बच्चे खाते हैं और घर का खाते हैं तो वो उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है जितना कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली बाहर का खाना खाना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने को हेल्दी रखना चाहते हैं और आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, तो आप कम से कम बाहर का खाना खाएं। जो भी खाना है, अगर आपको बाहर के खाने की कोई क्रेविंग भी है तो उसे घर पर बनाकर खाएं, तो उससे वो काफी ज्यादा हेल्दियर हो जाता है। तो इस तरह से ये पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, खाना तो हम हेल्दी खा रहे हैं बट उसे हम किस तरह से खा रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आजकल क्या करते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं ऑफिस जाने के लिए, खड़े खड़े ही हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ऑफिस में हैं तो लंच ब्रेक बहुत शॉर्ट होते हैं, तो उसमें हम फटाफट खा रहे हैं, तो प्रॉपरली हम अपने खाने को च्यू नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, या तो आप कुछ ऐसी चीज खाएं जिसको आपको च्यू करने में कम टाइम लगे, और अगर आप करते भी हैं तो कोशिश करें कि 32 टाइम च्यू नहीं कर सकते तो कम से कम 20 टाइम तो उसे च्यू जरूर करें। उससे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस हमारे खाने में मिक्स हो जाते हैं और हमें वो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। कई बार होता है हम बहुत फास्ट खाना खाते हैं और फिर उसके बाद हमें लगता है कि हमारा पेट बहुत भारी सा है, वो इसी वजह से कि वो प्रॉपरली डाइजेस्टिव जूसेस में मिक्स नहीं होते और फिर वो हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें, और शांति से बैठकर अगर आप खाना खाते हैं, प्रॉपरली उसी में कंसंट्रेट करके खाते हैं, तो वो खाना ज्यादा डाइजेस्टिव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप खाना हेल्दी बना रहे हैं, घर पर बना रहे हैं, बट अगर आप कुकवेयर अच्छा यूज नहीं कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल रहता है। मैंने आपको अपने काफी सारे वीडियो में बताया है कि कास्ट आयरन और आयरन हमारे लिए कितना ज्यादा हेल्दी होता है। यहाँ पर मेरे पास कास्ट आयरन के कुछ बर्तन आए हुए हैं जो इंडस वैली ब्रांड के हैं। मैं ऑलरेडी इंडस वैली की कढ़ाई आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसको मैं रेगुलर बेस पे यूज़ करती हूँ जब मुझे पूरी बनानी होती है। तो यहाँ पर ये कुछ बर्तन हैं जिनमें एक कढ़ाई है, एक अप्पे पैन और एक तवा। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, आप देख ही सकते हैं।
ये तीनों ही कुकवेयर बहुत अच्छे से पैक होकर आए थे, साथ ही ये प्री सीज़न है बट इनके ऊपर डस्ट वगैरह रहती है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस के साथ करना होगा। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है कि आप नए कास्ट आयरन कुकवेयर को किस तरह से सीज़न कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर जस्ट मैं सिंपल स्क्रब की हेल्प से इसको वाइप कर रही हूँ। इनको हमें अच्छे से वाइप करना है जब तक कि ये पानी अच्छे से क्लीन नहीं हो जाता। एक बार ये इस तरह से क्लीन हो जाए उसके बाद आप इसमें कोई भी डिश लिक्विड यूज़ कर सकते हैं और इनको वाइप करके रख सकते हैं। इनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, थोड़ी सी प्रॉपर केयर ज़रूर चाहिए होती है, बट इनको आप जनरेशन टू जनरेशन यूज़ कर सकते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं, इतने अच्छे रहते हैं ये क्वालिटी वाइज। तो यहाँ पर इनको अच्छे से क्लीन करने के बाद इनको आप ड्राई कर लें। ड्राई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एवरी वॉश के बाद में, क्योंकि इसके ऊपर अगर पानी का स्टेन रह जाएगा तो वो फिर रस्टिंग करना शुरू कर देगा। साथ ही इनको सीज़न अगर आप प्रॉपरली नहीं भी करते हैं तो उसके लिए आप सिंपल कर सकते हैं कि जब आप इसको धोएं, वॉश कर लें अच्छे से, उसके बाद इसको वाइप कर लें किसी कपड़े की हेल्प से, पानी निकल जाए, उसके बाद आप इनको रख दें अपनी गैस बर्नर के ऊपर, इनको अच्छे से गर्म कर लें जब तक कि हल्का सा स्मोक इनसे आने नहीं लगता, यानी कि बिल्कुल अंदर तक ये ड्राई हो जाए, उस तरह से हमें इन्हें करना है। आप ऑयल लगाना चाहते हैं या नहीं ये आपकी अपनी चॉइस है, बट अगर आप ऑयल लगा के रखते हैं, अगर आप रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं तो आप ऑयल लगा के रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लंबे टाइम तक अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जस्ट स्टोर कर रहे हैं, तो इस तरह से गर्म करके इनको आप छोड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छे रहते हैं इस तरह से भी, और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये क्लीन हो गए हैं। ये कढ़ाई मैं यूज़ करने वाली हूँ तो इसमें मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, और कॉटन के कपड़े से आप इसे क्लीन करें, टिश्यू पेपर ना यूज़ करें, अदरवाइज़ का रेसा इसमें रह जाता है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप रीजनल खाएं और सीजनल खाएं, जो भी आपके रीजन में मिलती हैं सब्जियां, फ्रूट्स या ग्रीन्स, आप वो अगर खाते हैं तो वो आपके लिए कभी भी हार्म नहीं करती हैं, क्योंकि जो हमारे रीजन में चीजें मिलती हैं वो हम अच्छे से डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी भी रहती हैं। कई बार ये होता है हम लोग सुपरमार्केट से सब्जियां लेके आ जाते हैं या फ्रूट्स लेके आ जाते हैं, वो किसी और स्टेट से आई होती हैं और उसकी वजह से उनका जो सेल्फ लाइफ होता है वो काफी ज्यादा बढ़ाने की वजह से उसमें काफी सारे प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपके आसपास कोई लोकल मंडी है तो आप वहां से सब्जियां खरीदें, तो आपको इजीली अपने रीजन की और अपने एरिया की सब्जियां मिल जाएंगी जो कि फ्रेश भी होंगी, ज्यादा दो तीन दिन में ही आपके घर तक वो पहुंच जाती हैं। लेकिन जो दूर से सब्जियां आती हैं उनको लग जाता है हफ्ते दो हफ्ते तक भी वो सब्जियां रहती हैं, फ्रेश तो दिखती हैं बाहर से, बस उसमें न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को और भी ज्यादा हेल्दियर बना सकते हैं। हमें अपने पुराने जो कन्वेंशनल मेथड होते थे कुकिंग के और हमारे खाना बनाने के तरीके, साथ ही जो ग्रेन हम लोग खाते थे, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है, काफी लोग की तरफ स्विच भी हो चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि आप कुछ इस तरह के कन्वेंशनल जो हमारे पुराने टाइम पे हम लोग कुकवेयर यूज करते थे या सर्ववेयर यूज करते थे, उसके लिए आप इंडस वैली चेकआउट कर सकते हैं। इनकी साइट पर आपको बहुत सारी चीजें देखने द इंडस वैली ब्रांड की जितने भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इसके कास्ट आयरन के बर्तन हों या क्ले के पॉट हों या फिर वुडन का ही कोई आइटम है, काफ़ी अच्छे हैं। ब्रास की बॉटल्स वगैरह इसमें हैं, जग्स आपको मिल जाएंगे, तो काफ़ी सारी वैरायटी है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्राइस पर हैं और इस टाइम डिस्काउंट भी चल रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर ग्रैब कर सकते हैं। और कास्ट आयरन के कुकवेयर इंडक्शन फ्रेंडली भी होते हैं, अगर उनका बेस फ्लैट है तो आप इजीली इंडक्शन पे भी इन कुकवेयर को यूज़ कर सकते हो। द इंडस वैली डॉट इन से अगर आप कुछ भी परचेस करते हो तो आप मेरा कूपन कोड जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उसे अवेल कर सकते हो। तो इस तरह से छोटे मोटे चेंजेस ही हैं जो हमें अपनी लाइफ में करने होते हैं, और इन चेंजेस की वजह से आप देखेंगे बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आता है। हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने एक दिन नॉनस्टिक में बना लिया, या क्या फर्क पड़ेगा एक दिन में हमने एल्युमिनियम में बना लिया, बट लॉन्ग टर्म में इसके काफी ज्यादा हार्म होते हैं। तो बस आज के वीडियो को मैं यहीं पर बाइंड अप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।